आज आपके साथ एक अक्यूट इमरजेंसी केस वाला डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। ये 4 साल पहले आई थी मेरे पास। मैं वो टाइम पे थोड़ा बीमार पे था, तो वो टाइम पे मैं रेस्ट लेने वाला था। मैं रिसेप्शनिस्ट को बताया कि आज अपॉइंटमेंट्स मत लेने का, तो उन्हें हाँ बोली। तो उसके बाद 5 10 15 मिनट के बाद एक मरीज़ आई थी उनके मम्मी के साथ। 21 22 एज का है। शी इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शी इज़ सफरिंग विथ सिवियर अबडामिनल पेन। मतलब पेट में इतना दर्द हो रहा है कि बैठने भी नहीं दे रहे हैं उनको, सांस भी नहीं ले पा रही है ठीक से। तो उसके बाद वो मेरे पास आई थी। मैं वो टाइम पे थोड़ा बीमार पे था, तो मैं घर में रेस्ट लेने वाला था। तो ये कॉल करी रिसेप्शनिस्ट, सर ऐसा इमरजेंसी पे आया था। मैं पूछा था उनसे शायद वो गलत जगह पे आया क्या ऐसा। तो क्योंकि मैं वो टाइम पे क्लिनिक स्टार्ट करके भी बहुत कम टाइम था। अक्यूट इमरजेंसी आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि मेरे पास आता है ऐसा। तो उन्हें बोले हाँ सर होम्योपैथी दवा चाहिए बोल के ही आई थी। तो ठीक है बोल के मैं घर से निकला था। थोड़ा ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गया था 1 10 15 मिनट। तो वो मदर के साथ बाहर आ गई थी। शी वॉज वेटिंग फॉर हर ऑफिस कैब टू गो टू हर ऑफिस दैट शी डजन नाइट ड्यूटी। तो मैं उनको देखा था, मेरे रिसेप्शनिस्ट को बोला था कि उनको बोला वापस। तो उन्हें वापस आए थे क्लिनिक पे, शायद 10 15 मिनट टाइम था उनको। तो वो केस बता नहीं पा रही थी। तो मैंने उनकी मम्मी को देखा था, उन्हें बोल रही है 5 दिन से ऐसा तबीयत ठीक नहीं था। पहले पीरियड के टाइम की वजह से ऐसा हो रहा बोल के हम सोचे थे, लेकिन पीरियड तो नहीं आया। वापस उल्टा ये तकलीफ़ बढ़ गई है। इनको इतना दर्द हो रहा बैक एक और पेट में बिलो अम्बिलिकस हाइपोगैस्ट्रियम पे पेन हो रहा है। तो होम्योपैथी भी इस्तेमाल करी थी, लेकिन कुछ असर नहीं कर रहा था। मदर टिंचर सब प्रिस्क्राइब किया था। एक्चुअली शी वॉज अंडर अदर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, बट आफ्टर सीवियर एग्जैबरेशन ऑफ द कंडीशन शी सेड प्लीज़ कंसल्ट सम गायनिक। गायनिक के पास भी गए थे, लेकिन उन्हें कुछ बदलाव नहीं आया था। तो शी वॉन्टेड टू ट्राई अगेन होम्योपैथी बिकॉज हर मदर इज़ ए स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ होम्योपैथी। तो मैंने उनको पूछा था कि कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स ऐसा कुछ है, तो उन्हें कुछ ऐसा कुछ नहीं बोली। तो मैंने बेसिक क्वेश्चनर पूछ रहा था, उन्हें कुछ भी समाधान नहीं दे पा रही थी। तो बीच में मदर उनका बड़ा स्पूरा निकालना शुरू कर दी। मतलब ये लड़के कुछ खाती नहीं है, पीती नहीं है, सोना पूरा रात भर ड्यूटी करना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, और संडे को भी अगर ड्यूटी रहे तो वो टी करती है। तो और घर का मामला भी कुछ और बता रही थी। लेकिन मैंने उनसे पूछा था, इतना बड़ा निकल रही है ना, शायद मैंने सोचा कि शी विल रिपेल और एल्स शी विल से नहीं। बीच में लाइक इफ द सेम कंडीशन कम्स टू अस, लाइक वी माइट इवन बी लैंडेड इन अक्यूट कंडीशन, तो वहाँ पे हम रिपेल करता है ये, नहीं 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 ऐसा मत बो, ऐसा नहीं है सर ऐसा। लेकिन मैंने उनसे पूछा था, मैडम आप जो आपका मम्मी जी बोल रहे हो आप उससे सहमत है क्या? तो उन्हें बोला ऐसे ही मुंडी हिलाई। तो मैंने ठीक है बोल के उनको एक दवा दिया था, और उनका कैब आ गई थी, और वो कैब में चली गई। 1 10 15 मिनट के बाद दूसरी डोज लिया था कैब में, और तीसरी डोज या और 1 10 15 मिनट के बाद में, 1 घंटे के बाद में उन्हें मैसेज रखा है, नाउ आई एम फीलिंग कम्प्लीटली ऑल राइट, आई एम नाउ फीलिंग, आई एम नॉट फीलिंग एनी टाइप ऑफ एग्जॉशन नाउ। तो दिस वॉज द केस। आई हैव प्रिस्क्राइब्ड हर द मेडिसिन इन 200 पोटेंसी। तो मैंने इनको इग्निशिया दिया था ऑन द बेसिस ऑफ वन सिंगल रूब्रिक, दैट वॉज माइंडनेस बेयर्स सफरिंग इवन आउटरेज विदाउट कंप्लेनिंग। देर इज ओनली दिस सिंगल रेमेडी इन दिस रूब्रिक, दैट इज इग्निशिया।
हैव गिवेन हर इग्निशिया 33 डोसेस। उसके बाद उनका रिएक्शन था काफ़ी ठीक हो गया था हर एक डोज के बाद। और 1 घंटे के बाद उन्हें खुद मैसेज लिखा था मुझे कि सर आई एम नाउ कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑल द पेन एंड फीलिंग वेरी मच बेटर। तो मैंने ये रूब्रिक क्यों चुना था कि कंप्लेन का मतलब क्या है, ये रूब्रिक में ना आप समझ लीजिए, कंप्लेन का मतलब समझना है बिकॉज दैट इज़ ए वर्ब। कंप्लेन क्यों किसको करता है, कंप्लेन करता हूँ एक अथॉरिटी को। अभी मैं और मेरा भाई झगड़ा कर रहा है तो मैं मेरा पिताजी को बता दूंगा, नहीं तो मेरा दीदी को बता दूंगा, मैं नहीं तो मेरा नाना नानी को बता दूंगा। तो समझ लीजिए, लाइक आई विल कंप्लेन, मैं मेरा फ्रेंड से झगड़ा करे तो उनका पिताजी से बता दूंगा बाहर कर झगड़ा किया तो, नहीं तो स्कूल में करे तो प्रिंसिपल सर को कर दूंगा, कॉलेज में किया तो HOD को कर दूंगा। तो कंप्लेन इज टू अथॉरिटी हु कैन रिजॉल्व योर थिंग्स। बट अभी समझ लीजिए ये कंडीशन में अभी उन्हें किसको बता सकता है, शायद मुझे तो नहीं बता सकते, उनका मम्मी उनके ऊपर गुस्सा निकल रही है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इग्निशिया। उन्हें सोचती है कि इग्निशिया हम माइंड मेथड में ये समझता है कि बार बार क्या एनी पायनियर एनी मॉडर्न स्टाइलवर्स भी बताता है, लाइक आई हैव लर्न फ्रॉम देम आई एम टीचिंग द सेम पॉइंट अगेन टू यू। तो इग्निशिया केस में मैंने बहुत सारे बार इग्निशिया को देखा हूँ, लाइक मैं आप बोलिए, लाइक वेन वी स्टार्ट आस्किंग द पेशेंट्स, तो उन्हें ऐसा देखता है उनका पति को, उनका बहन को, मम्मी को। उन्हें सोचता है कि ये लोग मेरे बारे में बताइए बता सकता है, क्योंकि शी एक्सपेक्ट्स दे शुड अंडरस्टैंड हर। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उल्टा होता है, इसलिए वो डिसकंसर्टेड स्टेज पे जाता है और इन्हें हर जो बात बोल रही है उनका मम्मी वो मान रही है, वो कर रही है, लेकिन फिर भी इन्हें इतना गुस्सा निकाल रही है, शायद उनका हेल्पलेसनेस निकाल रही है, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ नहीं कंप्लेन कर रही है। दिस इज माइंडनेस ऑफ इग्निशिया, मॉर्बिड लेवल ऑफ माइंडनेस। एंड इनका फैमिली हिस्ट्री में आगे वाले 1 मंथ के बाद फॉलोअप में उन्हें बोला था, मैंने पूछा था उतना दर्द में आप क्यों गए थे ऑफिस को, तो उन्हें बोली थी कि सर मेरा पिताजी 40-50 लाख्स डेट किए थे तो मैं उनको चुकाना है। शी एंड हर सिस्टर इज वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक एंड क्लियर 60% ऑफ द लोन्स एट द एज ऑफ 21-22, दैट टू मियर 40-50 लाख्स में 2025। तो इग्निशिया का स्टेचर आप समझ लीजिए, तो दिस इज द डिफाइंड स्टेज, शी कैन टेक दैट। बट मोरल के साथ उन्हें मम्मी को अपमान नहीं करना चाहती है, इसलिए ऐसे मुंडी हिलाई। दिस इज इग्निशियस कंडीशन एंड आई हैव प्रिस्क्राइब लेटर इग्निशिया 1M। उनका PCOS भी ठीक हो गया था, वो वेट लॉस इश्यू भी चल रहा था उनके साथ, वो भी ठीक हो गया, 6 महीने में पूरा केस रिजोल्व हो गया था। आई डिडंट इवन रिपीटेड इग्निशिया 1M लेटर दैट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑन दिस नवंबर 29, 2023 वी आर गोइंग टू प्रेजेंट ए डिप्रेशन केस ऑफ ए लेडी, मिडिल एज लेडी, इन ए वेबिनार कनेक्टेड बाई HSH टीम एंड मी एंड नीलोफर मैडम कमिंग ऑन लाइव वेबिनार। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड जॉइन द वेबिनार। फर्दर डिटेल्स विल बी शेयर्ड अलॉन्ग विद द लिंक ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।